हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हर शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ की हर खबर से रूबरू करवाना। आज हम बात करेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में। आजकल हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियाँ हर घर में आम हैं और आगे चलकर यही वजह हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती हैं। ऐसे और भी कई कारण हैं जो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो उसको बढ़ाते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी हार्ट की बीमारियों में से एक है। तो क्या है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और इसे कैसे बचा जाए, आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रिलायंस हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर घनश्याम आर काने। डॉक्टर काने, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, आप हमें मेडिकल टर्म में बताइए, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है और इसके होने के पीछे क्या वजह हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हार्ट का जो इमरजेंसी पेशेंट आता है और जब वो हार्ट के वजह से होता है तो उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोला जाता है। तो उसमें कैसा रहता है कि एक तो हार्ट अटैक, दैट्स द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दूसरा है व्हाट वी कॉल एज अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें अटैक नहीं आता है लेकिन हार्ट को एकदम ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो पेशेंट को अचानक से पेन शुरू हो जाता है। तो जब ये अचानक से हो जाता है इन अ पेशेंट जिसको पहले कुछ हार्ट का प्रॉब्लम मालूम नहीं था, और अगर मालूम भी था तो माइल्ड था और उसको मालूम था कि ये माइल्ड तरह से अपना है और स्टेबल है करके, तो सडनली वो अनस्टेबल हो जाता है, उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो जाता है। तो समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम पहले से है और उसको समझो 5-10 मिनट चलने के बाद छाती में दुखता है, वो रुकता है नहीं तो गोली लेता है जबान के नीचे और उसका चालू रहता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो एकदम अपना एडजस्ट कर लेता है। सडनली उसको घर पे बैठे बैठे पेन शुरू हो जाता है, तो सडनली फ्रॉम स्टेबल कोरोनरी सिंड्रोम ही हैज बिकम नाउ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सो दैट इज हाउ द थिंग चेंजेस, एंड व्हेनेवर इट हैपेंस सडनली देन देयर इज अ डेंजर दैट इट मे बी एन अटैक, इट मे बी अ कार्डियक अरेस्ट, द नेक्स्ट स्टेप मे बी कार्डियक अरेस्ट। सो दैट इज व्हाई वी आर मोर वरीड अबाउट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड दे 101% रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ओके, मैंने जानना चाहूंगी कि इसके होने के पीछे क्या वजह है, क्या लाइफस्टाइल भी एक कारण हो सकता है, जेनेटिक भी कारण हो सकता है, क्या वजह होती है? हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक नहीं तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम सबके कारण होते हैं। ब्लॉकेजेस अंदर रहते हैं हार्ट के, जो ब्लड सप्लाई करने वाले 3 कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, तो एक या ज्यादा, एक से ज्यादा भी इसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और जब ये ब्लॉकेजेस धीरे 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 करके बढ़ते हैं तभी वो स्टेबल रहते हैं पेशेंट्स और उनको वो लकी रहते हैं उनके, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है मैं 1 किलोमीटर चला तो मेरे को तकलीफ होता है, तो वो आधा किलोमीटर चल के वेट करेगा। नहीं तो ऐसा होएगा कि उसको मालूम रहेगा कि वो मेडिसिन पे ऑलरेडी डॉक्टर के पास पहुंच के मेडिसिन चालू रहेगा उसका, तो वो कंट्रोल में रहेगा। नाउ द अनफॉर्चुनेट पीपल आर पीपल जिनको ये सडनली पेन शुरू हो जाता है, मीन्स वो रेलवे स्टेशन पे किधर जा रहे हैं, नहीं तो फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो बस में बैठे हैं काम पे जा रहे हैं और सडनली उनको पेन शुरू हो जाता है, उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसका कारण तो सबका एक ही जैसा रहता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स अपने कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। नाउ धीरे धीरे बढ़ने वाले एक्यूटली क्यों होता है, तो वो उसको बोलते हैं प्लाक रप्चर, मींस जो कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको प्लाक्स बोलते हैं मेडिकल टर्म में, अपन ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं उसको प्लाक बोलते हैं। और वो प्लाक अगर धीरे धीरे करके बढ़े तो वो स्टेबल रहता है, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आता है उसका आइदर स्ट्रेस की वजह से, नहीं तो बॉडी में कुछ तो इन्फ्लेमेशन चालू है, नहीं तो ब्लॉकेज बहुत बढ़ गया है और सडनली वो प्लाक रप्चर हो जाता है। प्लाक रप्चर यानी अपना जो आर्टरीज रहता है उसका स्मूथ लाइनिंग रहता है और एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो लाइनिंग के अंदर रहता है, इसलिए ब्लड को कुछ सर्कुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी एक लाइनिंग डैमेज हो जाता है उसको प्लाक रप्चर बोलते हैं, तो अंडरलाइंग जो प्लाक है कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिट है वो सर्कुलेटिंग ब्लड को एक्सपोज हो जाता है और इनका नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं सिचुएशन, तो बॉडी इमीडिएटली समझती है कि ये कुछ कट हो गया मेरा आर्टरी में। तो जैसा अपने को कट हुआ हाथ में तो बॉडी कोगुलेशन करती है, वो क्लॉट बंद करती है, क्लॉट होके बंद करती है वो ब्लीडिंग, वैसे ही बॉडी इधर ट्राई करती है लेकिन इधर वो डेंजरस हो जाता है क्योंकि क्लॉट उधर हो गया तो आर्टरी कंप्लीटली बंद हो जाती है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कितनी तरह के होते हैं ये सिंड्रोम? क्या ये इसका फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज इट इज ओनली वन थिंग,
बट मेडिकली ये हम लोग दो तीन तरह से मानते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक आया मीन्स आपका आर्टरी कम्प्लीटली बंद हो गया, तो दैट इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दूसरा होता है कि आर्टरी बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, बिकॉज आपका बॉडी का भी क्लॉट डिजोल्व करने का मैकेनिज्म चालू रहता है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आता है लेकिन आपको पेन होते रहता है। सो और तीसरा ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा कुछ डैमेज हो गया, आपको एकदम पेन हो गया, लेकिन आपको हार्ट अटैक आता नहीं है क्योंकि वो क्लॉट ज्यादा होता नहीं है, वो डिजोल्व होके जाता है। तो ये तीनों तरह से होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म सेम रहता है। बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ प्लाक रप्चर, प्लाक रप्चर होने के बाद अंडरलाइंग कोलेस्ट्रॉल इज एक्सपोज टू सर्कुलेटिंग ब्लड, एंड कोलेस्ट्रॉल और सर्कुलेटिंग ब्लड दोनों का मेल नहीं जमता है तो उधर क्लॉट तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर इसके तो कोई फिर अर्ली सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते होंगे, ये एकदम से होने वाली समस्या है मतलब? यस, तो ये मैंने पहले ही आप मैडम आपसे बात करते हुए बोला था कि दो तरह से प्रेजेंटेशन होता है। एक यानी जो लकी लोग रहते हैं उनको धीरे धीरे करके ये बढ़ता है, तो उनको स्टेबल एंजाइना होता है, उनको अनस्टेबल नहीं होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज एन अनस्टेबल पार्ट। सो स्टेबल जो रहते हैं वो लोग लकी रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि मैं चला तो मेरे को तकलीफ होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसमें मालूम पड़ता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी एंजियोग्राफी बाईपास एंजियोप्लास्टी होके वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं कि उनको एकदम वो नॉर्मल रहते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं कि अपने अंदर ब्लॉकेज है, क्योंकि ये ब्लॉकेज धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। और ये ब्लॉकेज ऐसा नहीं है कि 90% है, 40-50% भी, जिसका अपना रूटीन लाइफ में बॉडी के ऊपर कुछ असर नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी, लाइक से कोविड के बाद होता है, बहुत लोगों को कोविड के बाद हार्ट अटैक आते हैं, तो उसके वजह से सडनली वो लाइनिंग का डैमेज हो जाता है, वो प्लाक रप्चर बोलते हैं उसको, उसके बाद वो क्लॉट होता है। तो क्लॉट कितना होता है वो हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन रहता है। क्लॉट अगर बहुत ज्यादा हो गया, पूरा आर्टरी बंद हो गया, तो एक्यूट हार्ट अटैक आता है। पूरा आर्टरी बंद नहीं हुआ लेकिन से 90-95% हो गया, तो आपको ज्यादा दुखने लगता है, हार्ट अटैक आने का, कभी भी हार्ट अटैक आने का चांस रहता है, और वो पेन आप बैर नहीं कर सकते, उसको अनस्टेबल एंजाइना और एक्यूट हार्ट अटैक ऐसा बोलते हैं। ओके डॉक्टर, इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? जनरली इको और ईसीजी की जाती है हार्ट के टेस्ट के लिए, तो इसके लिए कौन से टेस्ट यही होते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अगर हार्ट अटैक और हार्ट को डैमेज होना चालू हो गया, तो एक तो वो ईसीजी में दिखता है, लेकिन कभी कभी 10% लोगों में ईसीजी बहुत 4-5 घंटे तक नॉर्मल रह सकता है, क्योंकि ईसीजी एबनॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग ईसीजी भी करते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन और CKMB। ये जो टेस्ट रहते हैं वो इमरजेंसी में अपने को विदिन आधा घंटे में बताते हैं कि ये हार्ट का डैमेज चालू हो गया है। तो ECG, ये ब्लड टेस्ट और आपके कंप्लेन, ये तीनों हमको कंबाइन करके डायग्नोसिस करना पड़ता है। और हमारा मेडिकल पार्लेंस में ऐसा रहता है कि तीनों में से दो भी कोई भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ है, वो जो लगता है कि हार्ट का है, और समझो आपका ECG भी नॉर्मल है लेकिन ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल है, तो दो पॉजिटिव हो गया, तो हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं उसको। समझो ECG में बहुत चेंजेस आ गया, तो देन वी आर 100% श्योर, बट एज आई टोल्ड यू कि ये कभी कभी इसमें टाइम लगता है, तो हमको दो बार करना पड़ता है। हमको अगर लगा कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन एकदम टिपिकल है, हार्ट का लग रहा है, और पहला ECG नॉर्मल है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा हमको लगता है कि तुमको हार्ट का प्रॉब्लम है, तुम्हारा ECG नॉर्मल है, फिर भी ये बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है, तो तुमको और 4-5-6 घंटा रहना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट 1 या 2 बार करने पड़ेंगे। अगर 6 घंटे के अंदर में सब ECG और ब्लड टेस्ट दोनों नॉर्मल रहते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि आप जा सकते हो। तो जब पेशेंट आता है आपके पास, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में तो ज़्यादातर मौतें हो जाती हैं, तो कैसे इसको ट्रीट किया जाता है? क्या ट्रीटेबल है और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है? 100% जान बचाई जा सकती है अगर पेशेंट अपना हॉस्पिटल में पहुंचे, जिधर सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज है उधर पहुंचे, तो आज का जमाने में डेथ इज वेरी वेरी अनयूजुअल, अनलाइकली, because the commonest cause of death in a patient with heart attack is because of cardiac arrest. And the cardiac arrest occurs because heart को जब suddenly attack हो जाता, attack आ जाता है, तभी heart fibrillate होना लगता है कभी-कभी. The fibrillation में blood supply नहीं हो सकता है, because heart cannot pump. Normally it should pump regularly. अभी-अभी ऐसा हो गया, तो suddenly patient को brain को supply नहीं जाता है, collapse हो जाता है. और अगर तभी आप hospital में हो और आपको कोई कार्डियक मसाज दे सके,
और अगर अस्पताल में हो तो हम लोग शॉक देते हैं तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। तो ओके जो लोग लकी हैं वो अस्पताल में पहुंचते हैं बिफोर द टाइमली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जी हैपेंस, तो तभी दे गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड एंड फिर हम आपका एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉकेज है वो खोल देते हैं। ओके और जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं होता है वो पेन 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 करके ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा जी होके जी आ जाता है तो उनको भी एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉक जो है वो निकाल देते हैं। ओके ये भी लेकिन इसमें बत वर्स्ट इज दैट जी अरेस्ट, मतलब जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ तो आदमी अगर वो बाहर हो गया तो अनलेस अ बाईस्टैंडर मींस जो कोई ट्रेंड है कार्डियक मसाज में उसने अगर कार्डियक मसाज दिया तो ही वो आदमी बच सकता है, नहीं तो तीन ओके या 5 मिनट के अंदर आपका ब्रेन डैमेज कंप्लीट हो जाता है। ओके डॉक्टर ये भी बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इस सिंड्रोम होने का खतरा ज्यादा रहता है? जिसको डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो, ओके डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एंड ये तो कॉमन है, और जो स्मोकर्स हो वो यंगस्टर्स में यदि जिसको कुछ भी पहले डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है एंड ही इज अदरवाइज नॉर्मल बट इज अ हैवी स्मोकर, स्मोक गोज एंड दैट निकोटिन गोज एंड इनसाइड द कॉरोनरी आर्टरीज एंड स्टिमुलेट्स क्लॉटिंग बाय इटसेल्फ। ओके सो सम पीपल एट सम टाइम इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स मेनी ऑफ व्हिच आर अननोन जी बिकॉज ही हैज जी बीन स्मोकिंग फॉर मेनी इयर्स बाय वन फाइंडिंग ही डेवलप्स अ हार्ट अटैक। So why could that happen? Nobody knows that. But that is because there are other things which are happening in your body. Maybe when you're smoking, you are also under stress. You want to relieve your stress. Something else has happened. There is some infection in the body, some inflammation. So multiple factors act on that particular person at that particular time. So it is like a luck, you know, luck or bad luck. At that particular time, suddenly the blood clots in your coronary artery. तो हम डायबिटिक को एक बड़ी वजह मान सकते हैं इसके लिए? 101% डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है ये सब होने का, क्योंकि डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल डेपोजिट बढ़ा देता है, डायबिटीज प्लाक रप्चर करने के लिए मदद करता है, डायबिटीज पूरा सब बॉडी का संतुलन बिगाड़ देता है, तो उसमें ये चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी बताइए जो ये बीमारी गंभीर मतलब सीरियस कब हो जाती है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? कौन सी कंडीशन है? नहीं, जब भी आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, जी आप वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप उसकी केयर ले नहीं रहे, आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं, जी आप कंट्रोल करना आइदर नहीं करते हैं नहीं तो कर नहीं पाते हैं। बहुत लोग एकदम बेसहारा हो जाते हैं बिकॉज उनको नहीं कर सकते हैं, वो लोग आइदर उनको फैसिलिटीज नहीं रहता है, फैसिलिटीज है तो भी उनको मालूम नहीं रहता है। मैनी पीपल इवन डिस्पाइट नोइंग दे बिलीव के नहीं सब चलता है, मैं सब कर लूंगा, और धीरे धीरे करके मल्टीपल फैक्टर्स जमा हो जाते हैं और सडनली वन फाइन डे ये सब प्रॉब्लम आ जाती ओके ईसीजी का बहुत एक अहम रोल रहता है हार्ट की बीमारियों का पता लगाने में, तो आप थोड़ा मुझे ईसीजी के बारे में बताइए क्या है और इससे किस तरह की हार्ट की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? है। ईसीजी को हम लोग फर्स्ट विंडो टू हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसा बोलते हैं बिकॉज पहली चीज अभी 100 साल से ही चालू है और ज्यादा ही कि ईसीजी पहला किया जाता है, जी और ईसीजी नॉर्मल है तो हम लोग बताते हैं कि नॉर्मल है तो पेशेंट खुश हो जाता है कि ईसीजी नॉर्मल है और उसको लगता है कि ईसीजी नॉर्मल है मेरा हार्ट नॉर्मल है, जी बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके यस 90% ऑफ द पीपल इफ द ईसीजी इज नॉर्मल योर हार्ट इज नॉर्मल, बट इफ यू आर हैविंग चेस्ट पेन एंड एट दैट टाइम योर ईसीजी इज नॉर्मल देन इट मे बी दैट योर ईसीजी चेंजेस हैव नॉट कम व्हेन यू हैव रीच्ड द हॉस्पिटल, दे मे टेक सम मोर टाइम बिकॉज ईसीजी चेंजेस मैनिफेस्ट होने को हार्ट अटैक के नहीं तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को कभी कभी 3 से 6 घंटा तक लग सकते हैं। ओके तो दोज आर द पीपल हु हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ईसीजी नॉर्मल है फिर भी अगर पेन चालू है, आपको डॉक्टर बताता है कि आपका पेन हार्ट का लगता है तो वो नॉर्मल ईसीजी का एट दैट मोमेंट वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट नॉर्मल ईसीजी, वी टेल देम नो यू वेट फॉर अनदर 3 to 6 आवर्स, इफ ओके तुम्हारे 2 ECGs 6 घंटे के अंदर अगर नॉर्मल आते हैं तो देन ओनली वी कैन थिंक कि ये आपका जो पेन है जो हमको लगता है कि हार्ट की वजह से है वो शायद दूसरा कुछ कारण हो, बिकॉज वो मस्कुलर हो सकता है, बोनी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लेकिन ये सब से आदमी को जान का धोखा नहीं रहता है। तो जान का धोखा अगर हार्ट की है तो रहता है, तो हमको कभी कभी इफ वी आर ऑल्सो इन डाउट एज डॉक्टर की बाबा ये हार्ट का है लगता तो है लेकिन थोड़ा सा सम सिम्टम्स आर टिपिकल सम आर नॉट टिपिकल,
then we don't take the risk. We want to be very sure that the patient's life has to be ensured. So we request him, you please stay for another 3 to 6 hours. We will do your blood test. We will repeat your ECG after 6 hours. We may repeat your blood test after 6 hours. And those blood tests are only two, that troponin and CKMB, which tells us the initial beginning of the heart attack. So those tests are for the initial part. If there's a frank heart attack on the ECG, then you don't need all those tests. Those are done just for other purposes, just to be sure that everything is done. But otherwise, those tests are very important. Because as I told you, agar ECG bhi normal ho, or pain ho, or troponin T agar aapka positive ho, that means you have suffered a small, small heart attack. Okay. If ECG mein aane ka, wo bada heart attack ho jata hai. So troponin T and CKMB can identify even micro heart attacks, what we call that, which may not be visible on the ECG. But the treatment is required because suddenly he patient ko ventricular fibrillation ho sakta hai, uska heart arrest ho sakta hai, aur wo ho gaya toh aapko jaan ka dhoka hai. जी डॉक्टर, ये बताइए जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ी वजह है हमारी बहुत सारी बीमारियों की, तो जो हार्ट रिलेटेड जो दिक्कतें झेल रहे हैं लोग, उनको आप कैसी डाइट लेने की सलाह देंगे? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप कैसी डाइट लेने की सलाह देंगे ऐसे लोगों को? तो ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट अटैक और हार्ट के प्रॉब्लम जो रहता है उसका एक कारण नहीं रहता है. अभी अपन कोविड की बात करते हैं, हमको मालूम है कोविड का वायरस है, वो आके कोविड करता है, तो वी नो वायरस इज कॉजिंग. ओनली थिंग इज दैट वायरस इज म्यूटेटिंग एंड चेंजिंग इट्स शेप, सो दैट्स व्हाई मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हो जाता है. बट हार्ट अटैक को एक कारण नहीं है, क्योंकि उसको एक ही कारण नहीं है, इसके लिए हम लोग ये सब रिस्क फैक्टर्स की बातें करते हैं. तो सब मिला के इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अफेक्ट एन इंडिविजुअल. सम एक एक को खाली डायबिटीज होता है और हार्ट अटैक आता है, किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस सब होता है और उसको कुछ नहीं होता है, और सब किसी को एक ही होने के बाद भी हार्ट अटैक. सो दैट इज द मिस्ट्री ऑफ ऑल दिस. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारे जो चांसेस है बीमार होने के, उन बीमारियों के से खतरा जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है डॉक्टर. बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से ईटिंग आउट is not a very good idea. I am very very strict about it, because जब भी आप बाहर खाते हैं तभी उसमें कौन सा ऑयल यूज हुआ है, वो कितनी बार वो ऑयल बॉइल किया है, उसमें क्या मिक्स किया जाता है, अपने को मालूम नहीं रहता है. So preferably eat home food, preferably eat lots of vegetables, fruits and green vegetables. Avoid oily, fried, fatty things. And avoid all things which have very high cholesterol, like coconut oil, butter, cheese, ghee. Okay. All these things are supposed to be high in cholesterol. So you have to avoid those things, especially if you have many risk factors. Ji. And you can use it only occasionally, but that is the diet mainly. So lots of fresh fruits, vegetables, high fiber diet, jo bolte hum log, to wo lena padta hai. Or avoid all these oily, fried things. ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू वेरी मच. तो आज हमने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में जाना. अगर आपको भी इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है अगर इसमें लेट हो गया तो. अब हमें दीजिए इजाज़त, अब हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर. तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए. चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में. आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में. Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9
and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.